हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं मफिन्स। तो उसके लिए हमें इस तरह के कपकेक्स कंटेनर चाहिए। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, आपको इजीली किसी भी बड़े स्टोर से मिल सकता है, इस तरह आपको मिलेगा। तो ये एक कंटेनर है जिसमें आप मफिन्स कपकेक्स बना सकते हैं। तो इस तरह का आपने लेना है। अब हम लोगों ने यहाँ ले लिया है, इसको मैंने ग्रीस विद ऑयल कर लिया है सबको, इसके नीचे भी और इसके टॉप पर भी, ताकि चिपके नहीं। इससे पहले मैंने इसके नीचे नहीं लगाया था, जब मैंने बनाया था तब ऐसा हुआ था कि चिपक गया था। अच्छा, अब ये हमारे पास आपने लेना है एक लार्ज बाउल। इस कंटेनर में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल से बताऊंगी और अभी भी मैं बता रही हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको जब मैं इसमें सब ये चीज़ें मिक्स करी थी मैंने, तब आपको क्यों नहीं दिखाया। तो सिंपल, हर कोई, मतलब आप इजीली वीडियोस में देखते हो कि वो मिक्स कर रहे होते हैं, तो एंड में यही शक्ल बनेगी। तो मैं आपको बताऊँगी मैंने इसके अंदर क्या कुछ डाला है। अच्छा जी, तो इसको बनाने के लिए, मफिन्स बनाने के लिए आपने लेना है वन एंड हाफ कप ऑल पर्पस फ्लोर मैदा, मतलब डेढ़ कप आपने लेना है मैदा। एक कप आपने लेना है दूध। वैसे मैंने ऑलपर्स पैकेट दूध लिया है, क्योंकि वो मतलब क्रीमी दूध होता है, तो वहाँ पर, यहाँ पर मैंने ये वाला दूध लिया हुआ है। एक कप आपने दूध लेना है, ठीक है। उसके अलावा हाफ कप आपने लेना है वेजिटेबल ऑयल। उसके अलावा आपने इसमें डालना है शुगर 1 कप और कोको पाउडर 3/4 कप आपने, मतलब आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि हाफ कप से ज़्यादा और 1 कप फुल कंप्लीट नहीं, तो आपने इसमें लेना है कोको पाउडर ऐड करना है, शुगर मैंने बताया 1 कप ऐड करना है, 1.5 कप मैदा ऐड करना है। अब आते हैं एग्स पर। एग मैंने इसमें डाले हैं 3, आप इसमें 2 भी डाल सकते हैं। आप अगर आप लार्ज एग है तो 2 डाल दें, वरना 3 एग डाल दें। आपने, अच्छा, एग भी डाल दिया। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने हाफ टी स्पून आपने इसमें डालना है सोडा। अच्छा, ऑयल आपको मैंने बता दिया था कि 1/2 कप ऑयल डाल दें। अब इन सब चीज़ों को आपने करना है अच्छे से मिक्स। अच्छा, शुगर आप लोगों ने ग्राइंड शुगर लेना है। साबित शुगर ऐसा होता है कि वो ना ऐसे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होता है, तो वो फिर जब या बेक कर लेते हो फिर उसके बाद वो नहीं इतना अच्छा, मतलब उसका टेक्सचर आता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ मिक्स कर दिया है। कंटेनर मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है। ऐसे इसको सब आपने ये कंटेनर लेकर इसको लगा देना है। क्रीज कर लिया है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने टिश्यू भी रखना था अपने पास। अच्छा, इसको आपने फुल नहीं डालना, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एकदम फूल के ऊपर आ जाता है, तो फिर जब फिर भी मैंने देखिए इसमें ज़्यादा डाल दिया, और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मैसी ना हो, तो लेट मी जस्ट ब्रिंग टिश्यू। अब हम टिश्यू ले आते हैं। अच्छा जी, मैं टिश्यू ले आई हूँ अपने साथ, ताकि कोई ज़्यादा यहाँ पर मेस ना हो। अब हम इसमें 1/2-1/2 ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना व्यूअर्स, क्योंकि ये फूल के ऊपर भी आएगा। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया था, मैंने क्या किया था, फुल कंप्लीट इसको टॉप तक फिल किया हुआ था, लेकिन फिर वो जब मेरे कपकेक्स बन गए तो वो ऊपर इवन कंटेनर तक भी आ गया था, विच वॉज वेरी मच मेसी फॉर मी टू क्लीन। तो ये मैंने इसमें 1/2-1/2 ऑलमोस्ट डाल दिया है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा ज़्यादा। अच्छा जी, अब ये हमारे बन गए, हमने अपने कंटेनर में डाल दिए। अच्छा, अब हम इसको बेक करेंगे। बेकिंग का मैं आप लोगों को सिंसियरली बताऊं, जैसे मैंने फर्स्ट जब मैंने सब स्टार्ट में ये बेकिंग स्टार्ट किया हुआ था, जब मैं शुरू में मैं कर रही थी, तो मुझे ना इन चीज़ों से कोई मसला नहीं था, इसको मिक्स करने पे, इसको बीट करने पे, क्या चीज़ ज़्यादा बीट करना है
और मतलब कंटेनर में डालना, ये सब मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। मेरे लिए डिफिकल्ट सबसे ज़्यादा क्या था, अवन को कैसे कंट्रोल करते हैं। कभी ऐसा होता है होता कि वो बहुत ज़्यादा मतलब पक के जल जाता, कभी ऐसा होता कि मतलब जैसे कच्चा रह जाता या अंदर से ना वो लिक्विड लिक्विड सा रह जाता। फिर उसके बाद काफ़ी जाहिर बात है एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट, तो इसी तरह एक्सपीरियंस कर करके मुझे भी ये चीज़ें आ गई। तो आपने क्या करना है, उसको प्री हीट करना है। प्री हीट आपने 180 डिग्री पर करना है या 200 पे कर ले, क्योंकि मतलब वो अच्छे से हीट अप हो जाए। फॉर 10 मिनट्स रख ले, फॉर 5 मिनट्स रख ले, अगर आपका अच्छा बने तो 5 मिनट्स में मतलब दैट इज़ इनफ टू बी हीटेड। उसके बाद आपने जब इसको डालना है, आप ये वाला या फिर अपना जो केक, अभी मैंने केक भी बनाया वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो उसमें क्या करना है, आपने मतलब जैसे ही आपने इसको डाल दिया, अब आपने टेम्परेचर चेंज करना है। अब आपने उसको 180 तक लाना है। टाइमिंग आपने 30 मिनट की रख, इसकी टाइमिंग मैं 30 मिनट नहीं रखूँगी क्योंकि कप केक से इसका स्पेस कम है तो ये जल्दी पक जाएगा। तो ये 20 to 25 मिनट आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर मी, इनफ फॉर दिस केक टू बी कुक्ड। अच्छा ये हो गया, यहाँ पर टाइमिंग भी बता दिया, टेम्परेचर भी मैंने बता दिया कि आपने 180 डिग्री पर इसको रखना है। अच्छा ओवन में ये भी होता है कि हीट उसको कहाँ से मिले, टॉप से बॉटम से मिले, रॉड होती है, मतलब वो सारा कुछ मतलब एडजस्ट करना होता है। तो आप मेक श्योर कि आपका दोनों रॉड होना, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो आपने दोनों पे रखना है। तो ये मैं आपको इसको ओवन में रख कर आफ्टर 20 मिनट्स फिर मैं आपको दिखा दूँगी कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। हाँ हाई व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द रिज़ल्ट व्हिच आई हैव मेड मफिन केक्स। मैंने इसको रखा ऑलमोस्ट 20 to 25 जैसे मैंने बोला था रखा था। तो ये मैंने टूथपिक डालकर इसको इवन चेक भी किया, ये बिल्कुल सॉफ्ट, ये आप देख सकते हैं मफिन्स हमारे रेडी है। ये अच्छा क्वांटिटी इसलिए चेंज आ रही है क्योंकि मैंने जब मैं बना रही थी तब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, तो ये कुछ में क्वांटिटी ज़्यादा हो गई कुछ में कम हो गई है। तो ये हमारा डिलीशियस सा रेडी है। अब हम इसमें से एक ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कितनी इजीली उठ रहा है। पहले जब मैंने बनाया था मैंने नीचे क्रीस नहीं लगाया हुआ था और वो ना बिल्कुल चिपक गया था, वो नहीं आसानी से, और वहाँ पर ये काफ़ी उसके ना स्टेन्स रह रहे थे। तो ये मैंने नीचे भी क्रीस किया हुआ, ये आप देख सकते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा। और अब इसके अंदर देखते हैं, ये आपका मफिन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें इजीली बेक हुआ। अच्छा मैं अब आपको इसके अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल डिलीशियस सा मफिन्स हमारे पास रेडी हो चुका है। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय इट। अच्छा इसको अब मैं टेस्ट करती हूँ क्या कर ये बना कैसे है। मैंने जो बनाया डिलीशियस, बहुत अच्छा बना। आप लोग भी ट्राई करें, हालांकि मैंने नहीं सोचा था मैं इतना ज़्यादा खाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा बना, यमी। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक देते रहें। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।